दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीवो मोबाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी वीवो का मोबाइल है पर वो चलते चलते बंद हो गया है तो आप उसको कैसे ऑन कर सकते हो, घर में कैसे ऑन कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एकदम मिस मत करना, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी का जो मोबाइल आ रहा है, नया हो या तो कोई भी पुराना मोबाइल हो, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ अभी जो नया मोबाइल आ रहा है 10-15-20 हज़ार के अंदर, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अभी कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। साधारण सी बात है, नया नया मोबाइल चलते चलते बंद हो जा रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। ऐसे वीवो का मोबाइल के साथ भी हो रहा है। अगर आपका कोई भी वीवो का मोबाइल है, चलते चलते मोबाइल बंद हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप इसको घर में कैसे ऑन कर सकते हो, ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक को फॉलो कीजिए। अगर आपका मोबाइल ऑन हो जाता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा ऑन हो गया है। अगर नहीं हुआ तो भी मुझे कमेंट करके बताना, पहले ये ट्राई करना। अगर नहीं हुआ तभी जाके कहीं पे भी रिपेयरिंग सब बोलो, कहीं पे भी लेके जाना, पहले ये ट्राई करके देखो। ठीक है दोस्तों, तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए दोस्तों, ये है वीवो का एक मॉडल है, क्या मॉडल है मुझे भी ठीक से कंफर्म पता नहीं है, तो इसको मैं ऑन करने की कोशिश करूंगा। सोच लीजिए आपका मोबाइल बंद हो गया है और मैं इसको ऑन करने की कोशिश करूंगा। ऑन करने की कोशिश करने का मतलब है, अगर आपका मोबाइल ऑन भी है, कॉल आ रहा है, डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ रहा है, या तो आपका मोबाइल टोटली चलते चलते बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको पहला ट्रिक ये करना है, वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन, तीनों बटन को एक साथ ऐसे दबा के कुछ देर रखना है। जैसे ही दबा के रखोगे मोबाइल रीबूट होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मोबाइल बूटिंग मेन्यू में फंस जाता है तो मोबाइल ऑन नहीं हो पाता है। जैसे कि देखिए, ये मैंने तीनों बटन दबा के रखा तो ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया, वीवो का 5G मोबाइल ऑन हो गया। तो आप भी ऐसे करके अपना मोबाइल को ऑन कर सकते हो घर में। अगर ये पहला ट्रिक आपका काम नहीं किया तो दूसरा बार क्या करना, ना पहले चार्जिंग लगाना, 2-3-10 सेकंड छोड़ देना, उसके बाद फिर से तीनों बटन दबा के ट्राई करना, आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले दो ट्रिक ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताना, अगर हो गया तो जरूर थैंक यू लिखना, या तो आपको जो मर्जी वो जरूर लिखना। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।